वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साईं बाबा बनी बाबा बगरे जनिर 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन अपना मंदिर बना मेरे दिल में।
क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु का रूपांतरण भावी महिमा का पूर्वावलोकन है, जिसमें वे अपनी पहचान को शिष्यों को प्रकट करते हैं। यीशु जानते थे कि उन्हें अनेक प्रकार की यंत्रणाएं दी जाएंगी। यीशु को मालूम था कि उन्हें जल्लादों के हवाले होना पड़ेगा। जल्लाद उन पर कोड़े बरसाएंगे, चेले डर के मारे भाग जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, चेलों को ढारस बंधाने के लिए स्वर्ग राज्य में जो महिमा प्रकट होने वाली है उसको प्रदर्शित करने के लिए यीशु अपने आप को रूपांतरित करते और चेलों के सामने उस भावी महिमा का दृश्य रखते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का रूपांतरण आध्यात्मिक जीवन के रूपांतरण की ओर संकेत करता है। जब हम प्रभु की हजूरी में बैठते हैं, जब हम उसके साथ आते हैं, जब हम उसके पवित्र भवन में एकत्र हो जाते हैं, जब हम उसके सानिध्य में बैठते हैं, तो मुझे और आपको भी रूपांतरित होने की आवश्यकता है। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने की आवश्यकता है। जब आप किसी साधना में जाते हैं, जब आप किसी पवित्र आराधना में भाग लेते हैं, जब आप चंगाई प्रार्थना का हिस्सा बनते हैं, जब आप प्रेज एंड वर्शिप का हिस्सा बन जाते हैं, तो उस वक्त ये महिमा आपके परिवार में, शरीरों में और आत्माओं में प्रकट होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे विचारों को, मेरे विचारों को, मेरे मन को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को, मेरी आत्मा रूपांतरित कीजिए, रूपांतरित कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम जानते हैं कि इन सारी बातों से होकर गुजरने के लिए प्रभु यीशु अपने आप को पिता के नजदीक रखते थे। हम सुसमाचारों में सुनते हैं कि प्रभु यीशु ने जो महत्वपूर्ण कार्य थे वो पर्वतों के ऊपर किए। कलवरी के ऊपर उन्होंने दुख सहन किया, क्रूस पर चढ़ाए गए, पर्वत पर बैठकर उन्होंने प्रवचन दिया। 40 रात और 40 दिन उन्होंने एक पहाड़ी के ऊपर जाकर उपवास और प्रार्थना में बिताए हैं। अगर उनकी सेवकाई में हम देखें तो ईसा आदत के अनुसार कहां जाते थे, एकांत में पहाड़ी पर चला जाया करते थे। और सुसमाचारों में हम देखते हैं कि ईसा अधिकांशतः पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ी पर रहते हैं। क्या करने के लिए?
प्रार्थना करने के लिए, एकांत में रहने के लिए। पहाड़ी पर होना इस बात की ओर संकेत करता है, क्योंकि पहाड़ ऊंची जगह पर है तो हम पिता के नजदीक रहते हैं, ईश्वर के नजदीक रहते हैं। एक इंसान जब वो पहाड़ पर चढ़ता, ऊंचाई पर जाता है, तो उसे इस बात का अनुभव होता है कि वो आसमान के नजदीक है, वो ईश्वर के नजदीक है। आध्यात्मिक जीवन में जब हम बढ़ने लगते हैं तो हमें भी यही आभास होता है। इसलिए स्तोत्रकार प्यारे भाइयों और बहनों वचन में हमें बताता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्योंकि मेरी सहायता उन पर्वतों से आती है, क्योंकि उन पर्वतों पर जो ऊंचे शिखरों पर हैं और उसके ऊपर परमेश्वर विराजमान है, वो मुझे सहायता देता है। इसलिए प्रभु यीशु आदत के अनुसार पहाड़ी पर एकांत में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। तो एक सुंदर गीत है प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके साथ इस गीत को गाना चाहता हूं प्रभु की महिमा के लिए, और प्रभु उसमें हमें आशीष और बरकत प्रदान करें। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाता हूं, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाता हूं, मुझको है पता सहायता वहीं से आती है, मुझको है पता सहायता वहीं से आती है। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाता हूँ, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाता हूँ। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप एकांत में रहते हैं तो हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं। जहां एक का भी अंत है उसे एकांत कहते हैं, और उस एकांत में ईश्वर का निवास है जो सब जगह निवास करता है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि तुम मेरी वाणी को सुनो और तुम अपने आप को बदल डालो, तुम अपना आचरण सुधार लो और मैं तुम पर दया करूंगा। जब ईश्वर के ये वचन को हम सुनते हैं, योहन के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि बच्चों तुम ईश्वर के हो और ईश्वर की संतान पाप नहीं करती हैं। प्रभु की वाणी आकाश से सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है और तुम इसकी सुनो। जब हम इन बातों को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, तो ये हमें ढारस देती हैं, विश्वास पैदा करती है हमारे जीवन में, ये हमें उस प्रेम का अनुभव कराती हैं जो यीशु के जीवन में पिता ईश्वर ने उनको वो प्रेम का अनुभव दिया जब वो उस पहाड़ी पर जाते और पिता से कनेक्ट हो जाते थे। तो माउंटेन एक्सपीरियंस जो है ये हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। अब आप कहेंगे फादर हम इस वक्त पहाड़ों पर कहाँ जाएं? आप जिस घर में बैठे हैं, जिस वेदी के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, आपके लिए और मेरे लिए वही वो पर्वत है जहां से हमें सहायता आती है। ये वेदी वो पर्वत है, ये वेदी प्यारे भाइयों और बहनों वो जगह है जहां से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें अपना रूपांतरित शरीर और महिमा में शरीर का दर्शन कराता है। और यदि कोई विश्वास में पक्का है, पवित्रताई में है, तो इस महिमा को देखेगा, और जब आप उस महिमा को देख लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तो आप रूपांतरित हो जाएंगे।
यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। हमारा मन परिवर्तन हमें रूपांतरण की ओर ले जाता है, हमारा मन परिवर्तन रूपांतरण की ओर ले जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू ट्रांसफिगरेशन माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, मेटनोइया जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ हार्ट, ये हमें आध्यात्मिक बदलाव की ओर ले जाता है। तो मैंने आपके आपसे जिक्र किया कि प्रभु यीशु का पर्वतों से अच्छा खासा नाता था। पुरानी व्यवस्था में भी हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर ने एक चट्टान से लोगों को पानी निकाला और पिलाया। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि एलिया पर्वतों के ऊपर चला गया, वहां पर उसने जाकर अपने आप को पर्वतों की एक पहाड़ी की दरार में छिपा लिया, वो उसके छुपने की जगह थी। स्त्रोतकार कहता है कि मेरी छिपने की जगह तू है, मैं कहां जाऊं, पाताल में जाता हूं तू वहां है, पर्वतों पर जाता हूं तो तू वहां है, यदि मैं समुद्र में छिप जाऊं तो तू वहां है, बादलों में चढ़ जाऊं तो तू वहां है, तू सब जगह है, मैं कहां जाकर अपने आप को छिपाऊं। तो यीशु के जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी प्यारे भाइयों और बहनों, वो गतसमनी बाग में पहाड़ी के ऊपर हुई। यीशु का रूपांतरण पहाड़ी के ऊपर हुआ। यीशु ने 40 रात और 40 दिन उपवास किया, वो पहाड़ी पर किए। क्रूस की यात्रा एवं जो बलिदान थी कलवरी के पहाड़ पर हुई, और अपने चेलों को जो महिमा दिखाई वो उन्होंने पर्वत के ऊपर दिखाई। तो मैंने आपसे कहा कि यीशु ने अपनी आने वाली जो महिमा थी उसको रूपांतरण के जरिए चेलों के बीच में प्रकट किया। क्या मैं और आप इस रूपांतरण को कभी अपने जीवन में अनुभव करते हैं या नहीं? क्या हम परमेश्वर के नजदीक आने का प्रयास करते हैं या नहीं? क्या हमें लगता है कि जब हम पवित्र भवन में बैठते हैं तो ये हमारे लिए वो जगह है, वो पवित्र जगह है जहां से हमें सामर्थ्य मिलता है, जो हमारी आत्माओं को उत्साहित करता है, जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करता है? क्या हमें ये लगता है, ये डिवाइन एक्सपीरियंस, ये दिव्य अनुभव हर एक विश्वासी को होना चाहिए? जैसे पेत्रुस ने, याकूब और योहन ने उस डिवाइन एक्सपीरियंस को देखा, महसूस किया, जैसे उन्होंने उस दिव्य दृश्य को देखा, क्या मैं और आप ऐसे दिव्य दृश्य आराधना के दौरान देख पाते हैं या नहीं? जब संस्कारों को अनुष्ठान किया जाता है, क्या उन संस्कारों के जरिए हम इस दिव्य प्रकाश को या दिव्य दृश्य को देख पाते हैं या नहीं? आज ये मनन चिंतन का विषय है, और प्रभु हमें अपनी महिमा दिखाना चाहता है। प्रभु हमें अपनी महिमा दिखाना चाहता है। अक्सर हम प्रार्थना करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं कि हमारी प्रार्थना जो है ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। इसी तरह से एक बच्चा अपने हाथ में एक छोटी गेंद लेकर खेल रहा था, वो जोर जोर से उसे ऊपर उछालता और उसके बाद उसे कैच करता और अपने हाथ में रखता था। He was throwing the ball up and down, up and down, up and down. एक याजक वहां से गुजर रहा था, एक पुरोहित वहां से गुजर रहा था, और उसने बालक को देखा और उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तुम ये गेंद बार बार ऊपर फेंकते हो और नीचे आती है तो उसे कैच करते हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो? और बालक ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं ये गेंद ईश्वर की ओर फेंकता हूं, मैं ये गेंद ईश्वर की ओर फेंकता हूं और ईश्वर मेरी ओर फेंकता है, ये मैं गेंद ईश्वर की ओर फेंकता हूं और ईश्वर मेरी ओर फेंकता है। मैं जब फेंकता हूं तो प्रभु पकड़ लेता है, और प्रभु जब फेंकता है तो मैं उसे पकड़ लेता हूं, कैच कर लेता हूं।
हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे तमाम उदाहरण जिनको हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, ऐसी तमाम बातें हमारे जीवन में घटित होती हैं, और इन साधारण बातों में क्या हम इन डिवाइन एक्सपीरियंस को देख पाते हैं या नहीं। वो पुरोहित बड़ा आश्चर्यचकित हुआ जब उस बच्चे ने इस बात को बोला कि जब मैं गेंद फेंकता हूं तो प्रभु पकड़ लेता है, और जब प्रभु फेंकता है तो मैं पकड़ लेता हूं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं को, स्तुति को, आराधना को, प्रायश्चित को क्या करते हैं, प्रभु की ओर उठाते हैं, प्रभु की ओर फेंकते हैं, और प्रभु उसे रिसीव करता है और हमें उसके बदले आशीषें देता है। यह डिवाइन एक्सपीरियंस है। जिस दिन हम इस बात को महसूस कर लेते हैं कि मेरी एक भी प्रार्थना खाली नहीं जाती है, वो प्यारे भाइयों और बहनों मेरे और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का दिन हो जाता है, वो मेरे और आपके बदलने का दिन हो जाता है। जिस दिन कोई व्यक्ति बड़े आग्रह के साथ, बड़े दृढ़ निश्चय के साथ, कमिटमेंट के साथ प्रभु की ओर आता है और निर्णय करता है कि मैं बदलूंगा, मैं प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा, त्याग करूंगा, तो वो उसके जीवन का वो क्षण है जब उसमें आध्यात्मिक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, तो रूपांतरण का ये दृश्य जो यीशु के जीवन में घटित हुआ, वो हमें प्यारे भाइयों और बहनों अपनी ओर आकर्षित करता है। तो मैंने कहा कि माउंटेन्स आर द सिंबल्स ऑफ बीइंग क्लोज टू गॉड। पर्वत परमेश्वर के नजदीक होने की ओर संकेत करते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को प्रलोभन दिया गया पर्वत के ऊपर। यीशु मसीह ने अपना पर्वत प्रवचन दिया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने गलील की झील के किनारे जो पर्वत था, हम पढ़ते हैं मत्ती के 15वें अध्याय पद संख्या 29 में कि प्रभु ने वहां पर एक व्यक्ति को चंगा किया। मत्ती के अध्याय 17 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को रूपांतरित किया और चेलों को अपनी महिमा दिखाई। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अंतिम शिक्षा का जो डिस्कोर्स था वो पर्वत पर दिया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 33 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह, प्यारे भाइयों और बहनों, कलवरी के ऊपर अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपने फाइनल मैंडेट को गलील के पर्वत के ऊपर देते हैं। और इतना ही नहीं, रूपांतरण के समय पर्वत के ऊपर उन्होंने मूसा और एलिया से बात की। मूसा जो व्यक्ति था जिसके द्वारा नियम इसराइलियों को दिए गए थे, वो नियम पर्वत सिनाई पर उसे मिले। प्रभु ईश्वर मूसा से पर्वत पर मिलने आया करता था। इसलिए जब हम इस बात को सोचते हैं कि हमें एकांत में क्यों जाना है, हमें पर्वत पर क्यों चढ़ना है, हमें परमेश्वर की हजूरी में क्यों जाना है, तो जान लीजिए कि ये बातें हमें परमेश्वर के सानिध्य को अनुभव कराती हैं, ईश्वर के प्रेम को अनुभव कराती हैं। वो हमें ईश्वर के नजदीक होने का आभास कराती हैं। इफ मोसेस वॉज अ मैन ऑफ लॉ, देन एलाइजा वॉज द मैन ऑफ माउंट कार्मेल। और यीशु मसीह
ही वॉज द मैन ऑफ ऑल द माउंटेन्स। अगर यीशु मसीह, अगर मूसा नियम देने वाला व्यक्ति था, तो प्यारे भाइयों और बहनों, एलिया कार्मेल पर्वत का व्यक्ति था। और अगर ये दोनों पर्वतों के व्यक्ति थे, तो प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह सभी पर्वतों का व्यक्ति था, क्योंकि उसके सारे काम जो थे वो प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु ने पर्वतों पर संपन्न किए, क्योंकि वो पर्वतों पर परमेश्वर से जुड़ा रहता था, वहां से उसे सामर्थ्य मिलता था, पवित्र आत्मा से वो सामर्थ्य से वहां से भर कर आते थे, अपने आप को उत्साहित प्रोत्साहित करके रिचार्ज करके वो लौटते थे और उसके बाद वो सेवकाई किया करते थे। इन बातों को करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? हमें पवित्र आत्मा में चलने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में रहने की आवश्यकता है। तो गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में हम पढ़ेंगे कि आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे, तब आप आत्मिक बातों में बढ़ने लगेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति इन बातों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है वो आत्मा की प्रेरणा से चलता, लेकिन जो सांसारिक जीवन में रहता है वो संसार की वासनाओं को तृप्त करने की कोशिश करता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है अगले वचन में, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर करने नहीं देता है, हम थकावट महसूस करते हैं, हमारे रिश्ते लोगों के साथ हैं, हम उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, हम प्रार्थना में नहीं जाना चाहते, हम एकांत में नहीं जाना चाहते। अगर आज इंसान अपनी ही रोज की जिंदगी पर नजर डाले तो वो कभी भी अपने आप को एकांत में नहीं पाता है। वो मोबाइल के जरिए आज वर्चुअल वर्ल्ड में रहता है, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे, चार चार घंटे, रात को 1-2 बजे 3 बजे तक फोन पे लगा रहता, बातचीत करता रहता है। तो एकांत का समय कहाँ है? परमेश्वर से जुड़ने का समय कहाँ है? परमेश्वर की हजूरी में आने का समय क्या है? हमारी आज की ये पूरी दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड में रहती है। विज्ञान ने जितनी तरक्की की है, जितनी इसकी खूबियां हैं, उससे कई गुना ज्यादा संसार में इसके द्वारा हानियां भी हुई हैं। लोगों का जीवन आज प्यारे भाइयों और बहनों वर्चुअल वर्ल्ड बन चुका है, रिश्ता टूटता जा रहा है, हम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, आत्मा की प्रेरणा में हम चल नहीं पाते हैं। आत्मा की प्रेरणा में चलने का अर्थ क्या है? आत्मा की प्रेरणा में चलने का अर्थ है कि पवित्र आत्मा में जीना, पवित्र आत्मा में चलना, अपनी आंतरिक जीवन को पवित्र आत्मा को समर्पित करना, पवित्र आत्मा से दिशा निर्देश ग्रहण करना, पवित्र आत्मा से परामर्श लेना। इससे तात्पर्य यह है कि ऐसा जीवन व्यतीत करना जो पवित्र आत्मा से जुड़ा रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा चलाता है, पवित्र आत्मा दिशा निर्देश देता है, पवित्र आत्मा परामर्श देता है। और अगर यीशु मसीह ईश्वर से जुड़े रहे तो वो केवल इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा उन पर छाया रहता था, पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य देना चाहता था, इसलिए वो उन्हें प्रेरणा देता था, यीशु उठो और जाओ पिता के पास, वहां से तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा, वहां से तुम इन सारी चीजों को सहन कर लोगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जब गेतसेमनी बाग में यीशु प्राण पीड़ा सह रहे थे, औंधे मुंह होकर प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर बाइबल हमें बताती, यूहन के सुसमाचार में एक स्वर्गदूत आया और उन्हें ढारस बंधाने लगा। और बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि ईश्वर अपने भक्तों के पास डेरा डालता है। यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण थे, आत्मा की अगुवाई में चलते थे, आत्मा के दिशा निर्देश में चलते थे, इसलिए बाइबल कहती है बपतिस्मा के तुरंत बाद आत्मा यीशु को पहाड़ी पर ले गया और वहां पर शैतान ने उन्हें प्रलोभन दिया। तो पवित्र आत्मा
यीशु के द्वारा महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता था, और यीशु मसीह अंधों को आंखें देते, लंगड़ों को चलाते। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा जब बपतिस्मा के दौरान उनके ऊपर आकर उतरा, स्वर्ग राज्य से वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनो। तो परमेश्वर की हजूरी में रहने के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा में चलना अनिवार्य है। तो इसलिए तीन बातें जिससे पता चलता है कि हम पवित्र आत्मा से संचालित हैं, वो ये है कि एकांत में बैठना और प्रभु के साथ जुड़ जाना, मतलब प्रार्थना करना। दूसरी बात, वचन को अपने हृदय में रखना, वचन को अपने हृदय में रखना और वचन से अगुवाई प्राप्त करके आगे बढ़ना। तीसरी बात, आज्ञाकारी बनना और वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बनना, और प्रभु हमें वो आशीष प्रदान करता है। रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 4 में संत पौलुस लिखता है कि आप पवित्र आत्मा में चलें। पद संख्या 5 में लिखता है, सेट योर माइंड्स ऑन द थिंग्स ऑफ द लॉर्ड। इसका परिणाम जीवन में होगा कि आपके जीवन में सहनशीलता आएगी, शांति आएगी, प्रार्थना आएगी, और आप एक दूसरे को क्षमा करेंगे और एक दूसरे को सहन करेंगे। पद संख्या 13 में लिखा है कि अपने शरीर में आप लोग बुराई का दमन करें, और जो ऐसा करेगा उसके जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा। पद संख्या 14 में लिखा है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप लोग चलें। पद संख्या 15 से 17 में लिखा है कि पिता के प्रेम को आप लोग पहचानें, कि जैसे उसने, यीशु कहता, मुझे प्रेम किया है वैसे मैं भी तुम्हें प्रेम करता हूँ। ईश्वर के प्रेम को पहचानना, यीशु मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को जानना और उसे अनुभव करना, ये तब हो सकता है जब हम इस पवित्र पर्वत के नज़दीक आते हैं, इस वेदी के जब नज़दीक आते हैं जिस पर स्वयं वो विराजमान है, इस संस्कार के रूप में, रोटी के रूप में, तब हमें ये दिव्य दृश्य दिखेंगे, तब हमें डिवाइन एक्सपीरियंस मिलेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी मौका मिलता है पवित्र भवन में उपस्थित होकर प्रभु के मंदिर की ओर चले जाना, प्रभु के पर्वत की ओर चले जाना, और वहां पर हम लोगों को दिव्य दर्शन होंगे और प्रभु हमें अपनी महिमा प्रकट करेगा। रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 22 से 25 में लिखा है कि आप लोग पवित्र आत्मा में विश्वास करें। पद संख्या 26 से 28 में संत पौलुस कहता है कि आप पवित्र आत्मा में रहकर प्रार्थना करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। हम अपने हिसाब से स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, वचन बोलते हैं, लेकिन प्रार्थना करना पवित्र आत्मा सिखाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा में रहते हैं, तो वो हमारे आंतरिक मनुष्य को दृढ़ता प्रदान करता है, वो हमारे आंतरिक मन को मजबूत करता है, वो हमारे आंतरिक मन को पवित्रता ही प्रदान करता है, वो हमारे आंतरिक मन को आशीष देता है, हमारे आंतरिक मन को प्रेम से भर देता है। और जब हमारे अंदर से वो भाव निकलते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो उनसे परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में हाजिर हैं, आप हमारे बीच में हाजिर हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे आध्यात्मिक जीवन को, हमारे आध्यात्मिक जीवन परिवर्तित कर दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आप बढ़ते जाएं, आप बढ़ते जाएं, और मैं घटता जाऊं, और मैं घटता जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो एक विश्वासी के जीवन में त्याग, पवित्रता, विश्वास, विनम्रता, इनका होना अत्यंत आवश्यक है। और एक मुख्य बात, इन सब को प्राप्त करने के लिए हम बस उसकी उपस्थिति में रहें। पेतरुस ने कहा, प्रभु हमारे लिए कितना अच्छा है यदि हम तीन तंबू यहाँ पर खड़ा कर दें और यहीं पर रहें। उसने उस आनंद को अनुभव किया, उसने उस प्रेम को अनुभव किया। जब यीशु रूपांतरित हो गए तो वह महिमा प्रकट हो रही थी,
वो स्वर्ग राज्य का नजारा था, वो स्वर्ग राज्य का एक दृश्य था। आने वाली महिमा को यीशु ने प्रकट किया और पेत्रुस कह उठा कि यहां होना तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज प्रभु से कहना कि प्रभु आपकी हजूरी में मैं सदा रहूं, मेरा घर आपकी उपस्थिति में सदा बना रहे, इस बात के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। प्रभु तेरी महिमा मेरे बच्चों के जीवन में प्रकट हो जाए। आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त प्रार्थना कर रहे होंगे जो शायद पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, उलझे हुए हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करना, वो आपको शांति देगा। आज का दिन इसके लिए धन्यवाद देना, प्रभु हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, पूरे दिन के लिए धन्यवादित हो जाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु आप बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। प्रभु मुझे भी एकांत में बैठने का सामर्थ्य दीजिए, मुझे अपनी हजूरी में आने के लिए प्रेरणा दीजिए। आमीन।